नमस्कार, मैं लक्ष्य आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस डिबेट में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हाउडी मोदी के ऊपर, जहां में हमें देखा जा रहा है कि सारी तरफ गूंजे हैं हाउडी मोदी। और इस सम्मेलन में जो ह्यूस्टन में सम्मेलन हुआ, हमें इससे लग रहा था कई ऐतिहासिक फैसलों का ऐलान होगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या तो मोदी जी की तरफ से, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। और इस पूरे सम्मेलन में हमें एक पॉलिटिकल रैली लगी, जहां डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी हाथ पकड़ के पूरा ग्राउंड का चक्कर लगाया। और उन्होंने ट्रंप साहब ने मोदी जी की तारीफ करी और उन्होंने पास अवे करा, तो इसमें हमें पूरा पॉलिटिकल रैली लगी। और हाल फिलहाल में भी हमने देखा है कि अगले साल इलेक्शंस भी हैं अमेरिका में, तो इससे अमेरिका का क्या फायदा है और इंडिया का फायदा है, इससे इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे सहयोगी से, जो इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। तो चलते हैं हम अपने सहयोगी के पास, जो बताएंगे इन सब चीजों का ओवरऑल रिजल्ट्स क्या रहने वाला है। तो सर, तो आप बताइए कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हाउडी मोदी का मतलब क्या है, ये क्या है हाउडी मोदी, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि हाउडी मोदी है क्या। हाउडी मोदी जानने के लिए इसकी शुरुआत हाउडी से करते हैं। हाउडी का मतलब होता है हाउ डू यू डू, इसको शॉर्ट में हेलो भी बोल सकते हैं। तो ओवरऑल इसका मतलब है मोदी जी आप कैसे हैं। और आपने देखा होगा कि मोदी जी ने रैली में इसका जवाब कई भारतीय भाषाओं में दिया। हाँ जी, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इससे भारत का क्या फायदा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ ज्यादा आ चुका है या नहीं, आपकी इस पर क्या राय है। इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपको टेक्सास और ह्यूस्टन की पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूंगा। मैं आपको इस कार्यक्रम के पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूंगा। पहले यह कार्यक्रम सिर्फ मोदी जी के लिए था, बाद में ट्रंप ने भी आने की अपनी सहमति दी। आपको ये बता दूं कि टेक्सास ऐसा प्रदेश है अमेरिका का जहां पर सबसे ज्यादा अप्रवासी भारतीय रहते हैं, लगभग 1 लाख के आसपास अप्रवासी भारतीय हैं। और पिछले इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी का ट्रंप का अप्रवासी भारतीयों के साथ अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा, उनको और इनकी पार्टी को लगभग 15% वोट मिले थे। ट्रंप का इस कार्यक्रम में आने का मुख्य मकसद था अपने वोट बैंक को बढ़ाना। बिल्कुल, ये तो रही पृष्ठभूमि की बात। सर, हमें ये बताइए कि इससे क्या भारत को फायदा है, क्या अमेरिका को फायदा है, या फिर दोनों को फायदा है। इस पूरे कार्यक्रम को पॉलिटिकल रैली का नाम दिया जा सकता है। हालांकि कुछ ऐसी बातें हुई जो दोनों ही देशों के लोगों को उत्साहित कर सकती हैं। जैसे ट्रंप ने खुलेआम शब्दों में रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिस्ट की बात करी, जिसको भारत इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान प्रायोजित टेररिज्म की तरफ इशारा था। तो भारत के अति उत्साही लोग इन बातों में अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा पूरे कार्यक्रम को पॉलिटिकल रैली का नाम दिया जा सकता है। एक तरफ मोदी जी ने ट्रंप की तारीफों की कुल बाधे और ट्रंप भी इसके प्रत्युत्तर में कहीं पीछे नहीं रहे। अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा सकता है कि मोदी जी ने अमेरिका के अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप के लिए कैंपेनिंग करा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, अब की बार ट्रंप सरकार। सर, ये तो रही पॉलिटिकल रैली, तो हमने भी देखा कि पॉलिटिकल रैली की तरह लग रहा था हमें भी। लेकिन हमें आप एक चीज और बताइए कि क्या अब हम कह सकते हैं कि अमेरिका का झुकाव इंडिया की तरफ ज्यादा हो चुका है, आपकी क्या राय है इसमें। इस सवाल का जवाब इस क्षण देना काफी मुश्किल लग रहा है। हालांकि हम अपने कुछ आकलन प्रस्तुत कर सकते हैं। जहां तक मिस्टर ट्रंप का सवाल है, ट्रंप काफी अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति हैं। बिल्कुल सर, ट्रंप की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सर, अगर उस कार्यक्रम की बात करें तो वहां पर ऐसा लगता था जैसे ट्रंप और मोदी के बीच में काफी प्रगाढ़ मित्रता है और ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं भारतीय हितों की रक्षा करने के लिए। लेकिन जो ट्रंप और ट्रंप के व्यक्तित्व से परिचित हैं, वो भली भांति जानते होंगे कि ट्रंप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप ने वहां पर जो भी कहा, जो भी किया, ट्रंप का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, भारतीय मतों को अपनी तरफ खींचना। तो अगर मुझे सिर्फ एक वाक्य में कहना हो कि इस रैली से किसका फायदा हुआ, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि विगत कुछ सप्ताह में या दिनों में आपने ये देखा होगा कि ट्रंप बार बार कश्मीर का मुद्दा उछालते हैं और वो कहते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहे तो मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूँ।
कुछ दिनों बाद इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खंडन आता है, पुनः ट्रंप यही राग अलापते हुए दिखते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि ट्रंप का व्यक्तित्व क्या है। चलिए सर, ये तो बात रही हाउडी मोदी और पॉलिटिकल रैलीज और ये अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ या भारत जो अमेरिका की तरफ, ये तो हमें खैर बाद में पता चलेगा। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर ही बोला, क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है? इसमें आपकी राय चाहते हैं। हो सकता है ये पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश हो, लेकिन करंट अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक दर्शकों को पता होगा कि अमेरिका अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से निकालना चाह रहा है, वहां पर वह तालिबान के साथ वार्ता में है ताकि वहां पर शांति स्थापित की जा सके, और इस पूरी वार्ता में पाकिस्तान एक अहम रोल का निर्वहन करेगा। इसको देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि निकट भविष्य में अमेरिका की तरफ से ऐसे कोई कड़े कदम पाकिस्तान के प्रति नहीं उठाए जाएंगे जो पाकिस्तान को नागवार गुजरे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो ये रही हाउडी मोदी पर आज की चर्चा, और अब देखने वाली बात ये होगी कि इससे भारत को क्या क्या फायदे होने वाले हैं इस दौरे से। तो आपकी क्या राय है हाउडी मोदी पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमारे चैनल जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।